कैनेडा विखे बीते दिन हुई चोणों में 17 पंजाबियों ने जित हासिल करके पंजाब का नाम रोशन किया है। इन्हां 17 पंजाबियों में सब तो छोटी उम्र के सांसद बने हलका फिलौर के बड़ा पिंड के इकविंदर सिंह गहीर महज 28 साल के हैं। इकविंदर सिंह के सांसद बनने तो बाद परिवारक मैंबर पिंड वासियों में खुशी का माहौल है। इस दौरान सांसद इकविंदर सिंह गहीर के 85 साल दादा बाबा सिंह गहीर और चाचा कुलदीप गहीर को पिंड वासियों ने खुली जीप में बिठा के पूरे पिंड का गेड़ा कढ़ाया, जिन्हों का पिंड वासियों के ग्राम पंचायत वालों निघा स्वागत करदिया उन्होंने लड्डू नाल मूँह भी मिठा करवाया। गलबात करदिया इकविंदर सिंह गहीर के दादा बाबा सिंह गहीर ने जिथे अपने पोते के सांसद बनने ते वधाइयां दित्तियां, उत्थे ही उन्होंने कहा कि इकविंदर सिंह अपनी मुढ़ली सिक्ख्या हासिल करन तो बाद अपने माता पिता के भरावां नाल कैनेडा चला गया सी। उन्होंने कहा कि इकविंदर सिंह के पिता की मेहनत का ही नतीजा है कि अज इकविंदर सिंह इस मुकाम ते है। उन्होंने उन्होंने सारे ही कनेडा विच वसदे पंजाबियों के नाल नाल उत्थों के वसनीकों का तह दिलों धन्यवाद किया, जिन्हां ने उन्होंने वोटा पा के संसद बनन का माण बख्शिया है। उन्होंने कहा कि हुण वह अपने पोते नूं मिलन लई कैनेडा जाण दे चाहवान ने। सत श्री अकाल सारियां नूं, मैनूं बहुत खुशी आ कि मेरा वीरा नहीं मतलब मैं तो छोटी हाँ उन्हां तों, मेरा भतीजा लगता है वो। मैनूं बहुत खुशी आ कि वह MP बने कैनेडा च, उन्होंने साडा माण वधाया आ, साडे पंजाब का साडे इंडिया का पूरा माण वधाया आ। साडी पूरी गहीर फैमिली नूं बहुत खुशी आ, बहुत ज़्यादा खुशी आ। साडे वीरे नूं होर तरक्कियां बख्शन, बहुत खुशी आ। थैंक यू। माहौल तो बहुत वधिया बनिया होया आ, तुसीं देख सकते हैं सारे पासे कैमरा घुमा के देख सकते, बहुत वधिया माहौल बनिया होया आ। हाँ जी, जो 6 साल की उम्र ची उदो बहर गए थे, जेडे मेरे भाजी आ मनिंदर भाजी आ, वह सब तो पहला उन्होंने पलंबर का काम उत्थे स्टार्ट किया, 16 साल पलंबर का काम किया। उस तो बाद पलंबर का काम करके उस तो बाद उन्होंने उत्थे अपनी सक्सैस अपनी जाने की स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा कैनेडा च, फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत वधिया लग्या कि उन्होंने इन्नी तरक्की की, उन्होंने तरक्की के बावजूद ही जेड़े भाजी इकविंदर गहीर भाजी आ वह इन्नी वड्डी तरक्की हासिल कर सके आ, बहुत खुशी आ। तीन मेरे जन की मनिंदर भाजी जेडे आ उन्होंने 3 मुंडे आ, इकविंदर गहीर आ ते पैरी आ, एक है मनिंदर भाजी, 3 मनी भाजी। 28 साल की उम्र च इन्होंने इन्नी सक्सैस हासिल की। सब तो वड्डी लीड भी कहते इन्होंने हासिल की है। हाँ जी हाँ जी, पहला लॉयर सीगे, लॉयर का भी करते सीगे। इन्नी मतलब बहुत मतलब खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है गहीर फैमिली नूं। मैं होर जिदा दी साडी मतलब जनरेशन हुण न्यू आंदी पई आ, मैं उन्हां नूं ये मैसेज देना चाहनी हाँ, जिदा साडे वीरे ने सक्सैस लैके हासिल किया, इन्ना वड्डा मुकाम हासिल किया आ, वो सारे जने हासिल करन, सक्सैस करन, अपनी फैमिली का नाम रोशन करन, पंजाब का नाम रोशन करन, इंडिया का नाम रोशन करन। सारे आने पर पहुँचन तो बच्चे की सपोर्ट कर सारे की मेहरबानी, शुक्रिया। अज लड्डू बंडे गए खुशी, चाह पानी पिलाया गया, सारे खुशी जाहिर की गई परिवार के, बाबा जी चाचा जी भूआ जी इतने ही ने परिवार के, सारे सहूलता परिवार का बड़ा वड्डा योगदान है जीत दे विच। तो मेरी साड़ी फैमिली है जी, मेरे उत्थे बिल्कुल एक फैमिली है उत्थे। इस मौके जिथे किसान जथेबंदियां क्रिकेट क्लब ग्राम पंचायत ने इकविंदर सिंह के परिवारक मैंबरों नूं सन्मान चिन्ह दे के सन्मानित किया, उत्थे ही उन्हां जसवीर सिंह ने सांसद इकविंदर सिंह गहीर पासों मंग करते हुए कहा कि वह किसानों के मामले नूं प्रमुखता नाल उठा के खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण च सहयोग करन। जिदा कि आपां नूं पता ही है अपने बड़े पिंड दे इक होनहार नौजवान इकविंदर सिंह गहीर जिहड़े कि मैंबर पार्लीमेंट बने, सब तो छोटी उम्र के MP बने आ कनेडा दे विच, उस खुशी के लिए एक प्रोग्राम रखा गया सी बड़ा पिंड विखे, उन्होंने उन्होंने फैमिली मैंबर उन्होंने दादा जी बाबा सिंह जी उन्होंने चाचा जी तो उन्होंने सारे रिश्तेदार इतने पहुँचे है, तो असी उन्होंने भारतीय किसान यूनियन दुआबा वालों सरोपा भेंट किए है, एक किसानी की निशानी भेंट की है, तो नाल उन्होंने बेनती की है भी इकविंदर सिंह गहीर नूं भी बेनती करन भी जिहड़ा पंजाब दे विच किसानी संघर्ष जिहड़ा भारत में चल रहा है वो जिथे भी हो सकती जिदा के बड़े मंच के उत्ते साडी हमायत जरूर करन, तो असी बहुत बहुत धन्नवादी हाँ हरे पिंड वासियों के, हुण तक जो संघर्ष चलता उन्होंने पूरा योगदान है, तो असी दोबारा फिर सारी गहीर परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।